बहुत सारे और बहुत सारे कुत्ते निकल के आ रहे ले। सर एक झुंड है सर, ये मैंने ऐसे झुंड बहुत संभाले हैं, इस शोर छोड़ के ना चले जाए सर। जय हिंद मेरे भाई लोग, तो काल चाल स्वागत है आपका एक बार फिर से फिटनेस विद विक्टर रोस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले दो ऐसे यूट्यूबर की जो तो बनना चाहते थे बॉलीवुड हीरो लेकिन बन के रह गए केवल जीरो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असीम रियाज और अजाज खान के बारे में। दोस्तों अजाज खान का दबदबा तो है, क्योंकि जब कैरी मिनाटी ने इन्हें 4 साल पहले रोस्ट किया था तो अजाज खान ने कसम खाया कि मैं कैरी से माफी मंगवा कर रहूंगा, और आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में कि उन्होंने कैरी से माफी मंगवाया है। समझ होता ना बेटा, उनको ऐसा भी दिखता हमारे जैसा। ये कैरी है सर, कैरी मेरे को रोस्ट किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, इसी में सांप भी होता है। इसके बाद यहाँ पर अजाज खान ने सबसे बड़ी यूट्यूबर रोस्टर पूरब झा को भी रेल दिया। बहुत सारे और बहुत सारे कुत्ते निकल के आ रहे ले, और एक वो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी पुरानी, उसका बेटा भी आ रहा है, वो पूरब झा। अरे बेटा थोड़ा लिहाज रख बेटा, मम्मी का और मेरा जरा चक्कर था, उसका तो लिहाज रख, ऐसा मत कर बेटा। देख तेरी आंखें मेरे जैसी हल्की हल्की, देखा तू? हाँ बेटा। अरे बेटा ऐसा नहीं करते यार पप्पा के साथ। हाँ पूरब। इसके बाद अजाज खान ने यहाँ पर एल्विस यादव और रजत कटारिया को भी जान से मारने की धमकी दे दी है। तो यारो वो रजत दलाल ने तो माफी मांग ली है, उसने भी सॉरी बोला है, बोले एजाज भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और एल्विस यादव ने भी माफी मांगी है माशाल्लाह, और बोला है भाई तुम मेरे बड़े भाई हो, और बंबई में हम मिलेंगे तो बोले वीडियो भी बना लेंगे। तो मैं बोला तेरे फैन लोग को जरा समझा दे कि गाली गलौज ज्यादा कर रहे, उस चक्कर में तू तकलीफ में आ जाएगा। तो बोला सही बात है भाई, लेकिन मैंने थोड़ी कुछ बोला आपको, मेरे फैन लोग बोल रहे हैं ना। तो इसका फैसला हो गया, बाकी बचा वो चोको चूसिया, उसका इंतजार कर रहे, 2 हफ्ते लिए उसने, बॉडी वॉडी बनाएगा, थोड़ा वर्कआउट वर्कआउट करेगा, नहीं आ जाओ रे सब। और बाकी जो यूट्यूबर है जबरदस्ती चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो, बेटा तुम्हारा नाम लिखा जा रहा है बकायदा बोर्ड पे, और तुमको भी लाया जाएगा, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का सुबह पे स्वाद रखना। अजाज खान के शरीर में भी जो गर्मी थी उसको उतारने के लिए यहाँ पर रजत कटारिया और एलिफ यादव ने एक वीडियो अपलोड किया, जिसे आप देखकर पूरा का पूरा दंग रह जाएगा। एजाज भाई की नगरी में उन्होंने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, कटारिया से सॉरी बुलवाएंगे, जितने भी यूट्यूबर है सबसे सॉरी बुलवाएंगे, दिल्ली में मिले दिल्ली में पकड़ेंगे हमको, मुंबई में पकड़ेंगे, और कहां पकड़ेंगे, हरियाणा में पकड़ेंगे, हरियाणा में क्योंकि भाई के बहुत सारे लोग हैं वहां पे, हमें सॉरी बुलवाएंगे। भाई पकड़ ले भाई, पकड़ लो, बहुत रीच आउट करने का ट्राई करा है, ये शेयर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर घर पे आया था या घर से कोई जंगल में गया था, जो बोल रहे थे ना कुत्ते और शेर वाली बात, या फिर घर पे आया था शेर, वो वाला वो मैच नहीं ज्यादा, क्या खींचनी इसको ना, तुम्हारी कितनी औकात है और किसकी क्या है सबको समझ में है, तो ये इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे भौंकना थोड़ा बंद करो, और थोड़ा इंसान के बच्चे की तरह रहो। तुम्हें भी पता है तुम्हारे आधे दो पैर सलाखों के पीछे है, जो मुंह बाहर निकला है ना उसको ज्यादा इतना मत चिल्लाओ कि पूरे अंदर जाओ, हिसाब से रहो। और भाई जिसको नहीं पता, जिसको थोड़ा सा जो क्लियर नहीं है आइडिया कि भाई हम ये क्या वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे एजाज भाई ने भाई बहुत क्लियरली ये धमकी समझ लो, धमकी दी थी एक तरीके से कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ नजर आ गए वो कर दूंगा, यूट्यूबरों के साथ वो कर दूंगा, इंस्टा पे लोकेशन हम डालते हैं, ब्लॉग में लोकेशन हम डालते हैं, हर जगह लोकेशन हम डालते हैं, भाई को कॉन्टेक्ट भी कर ले, कोई जवाब नहीं, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के बन के रह गए कि इंस्टाग्राम पे हवाबाजी कर ली, चल भाई यहाँ पे सॉरी बुलवाऊंगा और चलो सो। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले असीम रियाज के बारे में, कलर्स पर चल रहे सो खतरों के खिलाड़ी में इन्होंने एक बकचोदी कर दिया। ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं कर रहा, उधर जाएगा आप लोग, चुप रहो सब, चुप रहेंगे। यू जस्ट आर फेमस, अरे बाबा नो आई एम नॉट, एवरीबॉडी इज फेमस, नो यू सी द बजिंग ऑल ओवर इंटरनेट बिकॉज़ ऑफ मी ब्रो, यू गेट इट, इट्स बिकॉज़ ऑफ मी, इट्स आफ्टर 4 इयर्स बिकॉज़ व्हेनेवर आई कम आफ्टर 10 इयर्स द सेम बस, अदरवाइज ये आता जाता पता नहीं चलता। तो गुरु इनका जो लैंग्वेज है ये अमेरिकन है, इंग्लिश है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको तो लग रहा है ये बिंग्लिश बोल रहे हैं। देखो मुंह पे बोल रहा हूं एंड देन व्हाई डू यू बी जेलस, आई हैव नो
इसके अंदर इतनी गर्मी है कि ये रोहित शेट्टी के सामने गाड़ियों की बात कर रहा है। अबे वो रोहित शेट्टी है, मात्र दो दो सेकंड में, दो दो मिनट में वो अपने शूटिंग में गाड़ियां उड़ाता है। सर एक झुंड है सर, ये मैंने ऐसे झुंड बहुत संभाले हैं। इस शो छोड़ के ना चले जाए सर। तो लड़ क्यों रहा है भाई? हाँ, लड़ूंगा। बात ही मत करो, रहने दो। मैं बंदा देख के मजाक करना चाहिए, ठीक है? औकात में तेरी हवा ना सब निकल जाएगी। तू हरकत ना चाहिए और करियो। क्यों बोल रहा है? बिग बॉस का चाटा ये ले, चाट ले, आ जा। वसीम रियाज ने खतरों के खिलाड़ी में इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दिया कि बहुत से लोग खतरों के खिलाड़ी देखना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, अजाज खान और वसीम रियाज दोनों ही ओजी हैं। ओजी का मतलब आप समझते हैं, ओरिजिनल गांडी। अगर आप भी इन लोगों के फैन हैं तो वीडियो को लाइक मत करना। जय हिंद, वंदे मातरम।